स्तनबाज को गिरफ्तार किया है जो चोरी करने से पहले बाइक चोरी करता है, उसके बाद मोबाइल लिफ्टिंग और चैन स्नेचिंग को अंजाम देकर भाग जाया करता था। फिलहाल उसकी गोवंडी से गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल और सोने की चैन सहित एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार यह चोर किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले एक बाइक चोरी करता है, उस बाइक के जरिए मुंबई की हाईवे पर जाकर स्टंट करता है और स्टंट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। उसके बाद चैन स्नेचिंग और मोबाइल लिफ्टिंग जैसी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता है। खास बात यह है कि हर बार नई वारदात देने से पहले यह बाइक चोरी करता है और स्टंट की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। फिलहाल जानकारी अनुसार मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों में इस अपराधी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें मुंबई के शिवाजी नगर में 326 सहित मारपीट गाली गलौज का भी मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल कुरार पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, सोने की चैन और मोबाइल जब्त की है। जानकारी के अनुसार यह शख्स मुंबई के अलग अलग इलाकों में इस तरह की चोरी और चैन स्नेचिंग जैसी गंभीर घटनाओं को अंजाम दिया है। कैमरा उसको पीछे से आके एक ये जो राइडर है, इसने एक पठानवाड़ी ब्रिज पर गले से चेन खींचा और भाग गया था। कुरार पुलिस स्टेशन में गुनाह दाखिल था। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई किया गया था। और ये जो आरोपी है मोहम्मद मोहसिन अंसारी उर्फ राइडर, तो ये एक उसको हम पिछले समझो एक महीने से ट्रैक कर रहे थे। ये बीच में एमपी भाग गया था, तो उसको ट्रैक करते करते फिर मुंबरा में जा उसको पकड़ लिया है। ये जो अप्रैल में जो चेन स्नैचिंग हुई थी तो उसमें उसको अरेस्ट किया है। दूसरा और एक मोबाइल स्नैचिंग का गुनाह हुआ था, तो उसमें भी वही निष्पन्न हुआ है। और एक जो बस स्नैचिंग का गुना खार पुलिस स्टेशन का है वो भी उसी ने किया है। तो ऐसे तीन गुना जो है स्नैचिंग के, जो रॉबरी के जो तीन गुना है, ये डिटेक्ट हुए हैं। अभी वो कस्टडी में है। क्या है कि अलग अलग जो क्राइम है उसमें अलग अलग बाइक यूज़ किया है और बाइक भी चुराता है और स्टंटबाज है, स्टंटबाजी भी करता है, उसके वीडियोज़ भी पाए गए हैं। तो और एकदम यंग है कि